स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के लेसन 2 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है संधारित्र की धारिता किन दो बातों पे निर्भर करती है। मीन्स हम लोग को जो कैपेसिटेंस अभी इससे पहले डेफिनेशन किए थे, वो किन किन बातों पे निर्भर करती है हम लोग को याद रखना है। दो बातें बोली गई है। तो अगर हम बात करें तो संधारित किस टाइप से होता है, अगर समांतर प्लेट संधारित हम लोग देखें तो इस टाइप से होता है, अगर इस पर हम लोग प्लस आवेश दें तो इस पर उसके अपोजिट आवेश आ जाएगा, इसको भूदृत कर देंगे। ठीक है, इस पर प्लस आवेश दिया गया, प्लस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू और यहाँ पे क्या गया, माइनस क्यू। अगर इसके बीच का विभवांतर भी है तो कैपेसिटेंस का मान होता है क्यू बट्टा भी। बट आपने इससे पहले एक और क्वेश्चन जो सॉल्व किया था 5 मार्क्स में, कि जो समांतर पर संधारित होता है, अगर इनके बीच में वायु हो, वायु वाला माध्यम भरा हो, तो C बराबर होता है A इप्सिलॉन नॉट बटा D। धारिता का व्यंजक होता है A इप्सिलॉन नॉट बटा D होता है, A इप्सिलॉन नॉट या इप्सिलॉन नॉट A बटा D होता है। अर्थात हमने देखा कि धारिता जो है वह A मतलब क्षेत्रफल, E नॉट मतलब माध्यम की परावर्तिता या निर्वात की वजह से होती है, और D मतलब इनके बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हमने क्या मान ली D, तो ये तीन चीज पे निर्भर करता है। तो अब देखिए यहाँ पर धारिता के बराबर में ऊपर A है, मतलब धारिता भी ऊपर है, A भी ऊपर है। अगर अगर A का मान अगर हम बढ़ाते हैं तो धारिता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहला नंबर हमारे होगा प्लेटों के क्षेत्रफल पर, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ने पर धारिता का, संधारित्र की धारिता बढ़ती है। मीन्स ए बढ़ेगा क्योंकि ए ऊपर है, तो ए बढ़ेगा तो सी भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा नंबर प्लेटों के बीच की दूरी पर, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के विद्युत का समानुपाती होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ डी जो है वो बट्टा में, देख रहे हैं इस बट्टा में, बट्टा का मतलब होता है व्युत्क्रम। तो अर्थात ए किसके समानुपाती है, सी के समानुपाती है। दूसरा नंबर हमारे पास डी जो है वह इसके व्युत्क्रम समानुपाती है, अर्थात डी का मान अगर बढ़ेगा तो सी का मान घटेगा, अर्थात संधारित की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रम समानुपाती होती है, अर्थात दूरी बढ़ने पर जो संधारित्र की धारिता होती है वह घटती है। तो ये दो अगर बात पूछा गया तो आप ये दो बात आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक और इसमें है, उसको भी मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, कि संधारित्र का तीसरा जो पार्ट है वह है प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम पर। आपने देखा प्लेटों के बीच यहाँ पे क्या है, वायु है, इप्सिलॉन नॉट दे रखा है। अगर इस इप्सिलॉन नॉट के जगह अगर हम एक परावैद्युत माध्यम यहाँ डाल दें तो सोचिए क्या होगा। अगर परावैद्युत माध्यम यहाँ डालें तो ये प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। इसका मतलब आपने देखा कि इस पर प्लस और माइनस की संख्या और बढ़ रही है, मीन्स इस वाले निकाय में प्लस और माइनस की संख्या और बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने जैसे ही इसके बीच में कोई परावैद्युत माध्यम डाला इसका जो क्षेत्रफल था बढ़ गया, क्योंकि एक तो इसका क्षेत्रफल था ही ए, इसका क्षेत्रफल ए था, और ये वाला जब डाला तो इसका भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा दोनों का, इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल और क्या हो गया, बढ़ गया, जिसके कारण इनमें आवेश को संचित करने की क्षमता और बढ़ गई। अर्थात प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम पर डालने पर अगर देखा जाए, डालने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे परावैद्युत माध्यम डालते हैं, जैसे इनके बीच परावैद्युत माध्यम डालते हैं तो क्या होता है, इनका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वह बढ़ जाता है। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए रहेंगे आप यहाँ पर एक स्पेस, एक यहाँ पर था क्षेत्र, एक क्षेत्र यहाँ था पृष्ठीय क्षेत्र, और सरफेस एक यहाँ पे भी उत्पन्न हुआ और एक यहाँ पे उत्पन्न हुआ, मतलब दो सरफेस और यहाँ बढ़ गए, जिसके कारण आवेश ग्रहण करने की क्षमता और बढ़ जाती है, जिससे उनकी धारिता और बढ़ जाती है। तो ये तीन चीजों पर निर्भर करता है। फिर से एक बार देख लीजिए, पहला क्षेत्रफल बढ़ने पर धारिता बढ़ती है, दूसरा दूरी बढ़ने पर धारिता घटती है, और तीसरा नंबर अगर हम परावैद्युत माध्यम डाल दें तो उससे धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।